अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास 8 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पाइथन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, पाइथन के अंदर लूप्स क्या होते हैं और पाइथन के अंदर फंक्शंस को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं और किस तरह से उसको यूज़ करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने एडवांस डेटा टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने लिस्ट देखी थी कि लिस्ट क्या होती हैं, टपल्स क्या होते हैं, टपल्स और लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, और डिक्शनरीज को भी डिस्कस किया था कि डिक्शनरीज हम कब इस्तेमाल करते हैं और डिक्शनरीज के हमें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आज हम और मजीद प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें से हमारे पास एक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो मैं अपने गिटहब लिंक पे आता हूँ और उसी के थ्रू हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं कि व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, क्या होती हैं और रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होती हैं। तो गिटहब पे आने से पहले एक सिंपल से सिनेरियो मैं आपके सामने बयान करता हूँ कि हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम किसी कंडीशन की बेस पे कर रहे होते हैं। हमारे बहुत सारे काम हम ऐसे होते हैं जो कि हम नॉर्मल रूटीन के अंदर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद आपके सबसे पहले एक रूटीन होगी कि आप फ्रेश होंगे, हैंड माउथ वॉश करेंगे अपना, और उसके बाद आप ब्रश वगैरह करेंगे या आप जो है वो एक शावर लेंगे। तो ये आपकी नॉर्मल रूटीन है। अब जब भी आप सुबह उठेंगे आप ये काम करेंगे, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप कंडीशन की बेस पे कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज आपने अपने फ्रेंड्स के साथ एक प्लान बनाया कि हमने कल सुबह क्रिकेट के लिए जाना है, हमने सब कल सुबह क्रिकेट खेलना है। तो जब आपने जिस दिन ये प्लान बनाया हुआ है कि हमने क्रिकेट खेलने जाना है, उस दिन जैसे ही आप सुबह उठेंगे तो वैसे आप डेली रूटीन में कॉलेज जा रहे होते हैं या यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं, लेकिन जिस दिन आपने क्रिकेट का प्लान किया उस दिन आप सुबह उठकर क्रिकेट के लिए जाएंगे, उस दिन आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन आ गई कि रूटीन में तो होता है कि हम सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद हम ब्रश वगैरह करते हैं और फ्रेश होने के बाद हम नाश्ता करते हैं और कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए जाते हैं। लेकिन जब हमारा वो डे आएगा जिस दिन हमने दोस्तों के साथ या फ्रेंड्स के साथ प्लान किया होगा क्रिकेट का, तो उस दिन हम सुबह उठने के बाद अपना फ्रेश होने के बाद हम क्रिकेट के लिए जाएंगे जबकि यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन आ गई कि अगर हमने दोस्तों के साथ कोई प्लान किया हुआ है तो फिर हम क्रिकेट के लिए जाएंगे, अदरवाइज हमारी डेली रूटीन है कि हमने सुबह उठना है, फ्रेश होना है और उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी जाना है या कॉलेज जाना है। तो हमारे पास डेली रूटीन में कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि हम डेली रूटीन की बेस पर परफॉर्म करते हैं और वो रोज हम कर रहे होते हैं, जैसे सुबह उठकर फ्रेश होना, ठीक है, नाश्ता ब्रेकफास्ट करना, ये हम डेली रूटीन में कर रहे होते हैं। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो किसी कंडीशन की बेस पर कर रहे होते हैं, जैसे मैंने क्रिकेट का बता दिया या फ्रेंड्स के साथ अगर हमने कोई पार्टी का पिकनिक पार्टी का प्लान बनाया तो फिर हम सुबह उठकर उस पिकनिक पार्टी के लिए जाएंगे। तो वो काम जो होते हैं वो कंडीशंस की बेस पे होते हैं। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी अगर हमने कुछ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमने किसी कंडीशंस की बेस पर एक्सिक्यूट करवानी है, वो हम हर सिनेरियो के अंदर हर केस के अंदर एक्सिक्यूट नहीं करवाना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे पास एक स्टेटमेंट या एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हो और वो तभी एक्सिक्यूट हो जब हमारे पास एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू हो। तो इस केस में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होती हैं, जैसे C++ में भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, C# में भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, जावा में भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं। तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं और पाइथन के अंदर भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम यूज करते हैं जब हमने एक स्टेटमेंट या एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को किसी कंडीशन की बेस पर एक्सिक्यूट करवाना हो। अगर तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो वो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट वो एक्सिक्यूट हो जाएंगी, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो वो स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स स्किप हो जाएंगी। तो गिटहब पे चलते हैं और इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखते हैं। तो गिटहब पे मेरे पास जो इसका स्टेप है वो है स्टेप नंबर 7, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर अगर हम जाएं तो हमें यहाँ पर एक फाइल मिलेगी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, और इस फाइल को अगर मैं आपके सामने दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पर एक सिंपल केस सिनेरियो है जिसे आपके सामने यहाँ पर कोड पे भी देख सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक कोड है, ठीक है, इस कोड में मैंने क्या किया है कि इनपुट स्टेटमेंट लगाई है और उस इनपुट स्टेटमेंट के अंदर मैंने एंटर योर मार्क्स इस तरह से मैंने लिखा हुआ है कि ये बेसिकली इनपुट स्टेटमेंट क्या करेगी कि यूजर से उसके मार्क्स एंटर करेगी, उस मार्क्स को फिर मैंने इंट के अंदर टाइपकास्ट किया है और एक मार्क्स के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। ये नॉर्मली ये जो चीज है इनपुट स्टेटमेंट, ये हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आगे मैंने एक कंडीशन लगाई है इफ, इफ दैट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। ये हमारे पास जो इफ है ये कीवर्ड है जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल होता है किसी भी कंडीशन को लगाने के लिए। तो आगे मैंने कंडीशन लगाई है मार्क्स वेरिएबल पे कि इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कि अगर जो इनपुट मार्क्स किए जा रहे हैं वो अगर 33 से ग्रेटर देन है, देन फिर मैंने आगे कॉलन लगा दिया
कॉलर लगाने के बाद आप देख रहे हैं कि मैंने आगे एक स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट को मैंने थोड़ा सा एक स्पेस के साथ दिया। अब स्पेस में के बाद मैंने जो स्टेटमेंट लिखी है वो मैंने लिखी है प्रिंट पास। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये जो मैंने इफ कंडीशन के बाद यानी इफ के कंडीशन के बाद मैंने जो स्पेस डाल के लिखी है, ये वाली स्टेटमेंट इस इफ कंडीशन से लिंक हो जाएगी। अगर मेरी इफ कंडीशन ट्रू होती है, यानी अगर मैं जो मार्क्स एंटर कर रहा हूँ वो 33 से ग्रेटर होते हैं, देन फिर ये वाली जो कंडीशन है ये फुलफिल होगी और मेरे पास ये स्टेटमेंट पास वाली चल जाएगी। और अगर मेरे पास 33 से लेस देन मार्क्स होते हैं या हमारे पास इस तरह की कोई कंडीशन भी हो जाती है जिसके अंदर ये हमारे पास इस तरह की कोई वेरिएबल की वैल्यू होती है जिसमें ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो उस केस में हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी और ये वाली जो स्टेटमेंट है ये स्किप हो जाएगी। तो अब ये स्टेटमेंट जो कि प्रिंट पास, जो कि थोड़ा सा स्पेस के साथ इंडेंटेशन के साथ लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट टोटली लिंक कर रही है हमारे इस कंडीशन से। कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट जो इसके साथ लिंक है ये चल जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट इसके साथ नहीं चलेगी। तो इस कोड एग्जांपल को मैं प्रैक्टिकली अपनी जुपिटर नोटबुक पे रन करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये हम एआई डाटा साइंस के सेक्शन में आ जाते हैं और यहाँ पर हम एक न्यू नोटबुक बना लेते हैं अपनी कंडीशन स्टेटमेंट्स के नाम से। हमारे पास एक पुरानी नोटबुक है, दैट इज एडवांटेज डेटा टाइप्स, जो कि हम अपनी पुराने क्लासेस में यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पर एक न्यू नोटबुक मैं बना लेता हूँ, तो उसका नाम मैं नाम यहाँ पर रख देता हूँ कि ये हमारी जो नोटबुक होगी दैट इज कंडीशन स्टेटमेंट्स। तो मैं यहाँ पर इसमें कंडीशंस के नाम से इसका नाम रख देता हूँ और यहाँ पर मैंने इस कोड को कॉपी किया। तो अब जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा तो फौरन मेरे से एक मार्क्स एंटर पूछेगा कि आप एक मार्क्स एंटर करें। तो मैं यहाँ पर अगर 34 एंटर करता हूँ तो 34 ग्रेटर देन 33 तो मेरे पास कंडीशन ट्रू होगी और पास की स्टेटमेंट आ जाएगी। अब पास की स्टेटमेंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये आप देख रहे हैं दी एंड, ये हमारे पास आ गई है। इस स्टेटमेंट का इस कंडीशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि जितनी भी स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो इफ कंडीशन के साथ तब ही लिंक होंगी जब वो इफ कंडीशन के आगे किसी ना किसी इंडेंटेशन के अंदर दी होंगी। यानी अगर मैं यहाँ पर इफ कंडीशन के आगे मैंने एक कंडीशन स्पेसिफाई की, उसके बाद मैंने कॉलन लगाया और कॉलन के बाद आगे मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँ तो आप देखते हैं ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग से कुछ स्पेस छोड़कर मेरे पास मेरा कर्सर आ रहा है। तो अब यहाँ पर जितनी भी मैं स्टेटमेंट लिखूं ये सारी के सारी स्टेटमेंट जो कि स्टार्टिंग से थोड़ा सा कर्सर छोड़कर यानी थोड़ी सी जगह छोड़कर स्पेस छोड़कर मेरे पास आगे ये स्टेटमेंट जितनी भी लिखी हुई है ये सारी के सारी स्टेटमेंट ये इफ कंडीशंस के साथ लिंक कर रही होंगी। यानी ये पास स्टेटमेंट भी लिंक कर रही होगी, ये वाली स्टेटमेंट भी लिंक कर रही होगी, इसके नीचे भी मैं अगर कोई स्टेटमेंट लिखता हूँ जो कि इस इंडेंटेशन के ऊपर है यानी थोड़ी सी स्पेस के आगे लिखी हुई है, ये सारी के सारी स्टेटमेंट्स इस इफ कंडीशन से क्या कर रही होंगी, लिंक कर रही होंगी। तो ये हमारे पास बेसिकली इफ के ब्लॉक का कंसेप्ट होता है पाइथन में। बाकी दूसरी लैंग्वेज के अंदर अगर आपने किसी एक स्टेटमेंट को किसी कंडीशन के साथ लिंक करना हो तो वहां पे आप ब्लॉक बनाया करते थे, एक कर्ली ब्रेसेस का ब्लॉक बनाया करते थे जिसमें आप स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस को स्टार्ट करते थे, देन फिर आप एक एंडिंग कर्ली ब्रेस को यूज करते थे। तो स्टार्टिंग और एंडिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने भी आप स्टेटमेंट लिखते थे वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स उस कंडीशन से लिंक होती थी। अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो वो चल जाती थी, नहीं ट्रू होती थी तो वो नहीं चलती थी। यहाँ पर हमारे पास इस तरह से है कि यहाँ पर हमारे पास कर्ली ब्रेसेस का कोई कंसेप्ट नहीं है जबकि हमारे पास यहाँ इंडेंटेशन का कंसेप्ट है कि हम अगर हम कंडीशन लगाने के बाद कॉलन लगा के हम जितनी भी स्टेटमेंट्स किसी ना किसी स्पेस के साथ लिखेंगे वो सारी की सारी अपर वाली कंडीशन से क्या होंगी, लिंक होंगी। और कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो कि स्पेस के साथ नहीं होगी, जिस तरह से ये लास्ट वाली प्रिंट स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट्स होंगी इनका इफ कंडीशन से कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। ये हर केस में चाहे इफ कंडीशन फॉल्स होती है चाहे इफ कंडीशन ट्रू होती है हर केस में ये एग्जीक्यूट होंगी। तो ये चीज थी जो कि इफ कंडीशन के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करके अब मैं यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन एंटर करूंगा यानी वेरिएबल एंटर करूंगा जो कि कंडीशन को रॉन्ग कर देगा, उसे फॉल्स कर देगा। तो मैंने 20 की वैल्यू एंटर की है तो 20 से हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो मेरे पास जो पास प्रिंट पास ये वाली जो स्टेटमेंट है ये स्किप होगी क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई है और दी एंड मेरे पास एज इट इज ऐसी आएगा क्योंकि ये वाली जो लाइन है इसका हमारी कंडीशन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने इफ की समझ आ गई होगी कि इफ स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है। अब नॉर्मली इफ के साथ एक और अल्टरनेटिव वे होता है जिसे हम कहते हैं इफ एल्स।
कि अभी तो हमने ये देखा कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो देन एक स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। यानी फॉल्स के केस में हमारे पास कोई दूसरी स्टेटमेंट कोई एक्सिक्यूट नहीं हो रही, बल्कि फॉल्स के केस में हमारे पास स्टेटमेंट स्किप हो रही है, जो भी हमारी स्टेटमेंट है वो स्किप हो रही है। तो अगर हम एक ऐसा अल्टरनेटिव वे बनाना चाहते हैं कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो तो फिर एक स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो या एक सेट ऑफ स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हो, और अगर हमारी स्टेटमेंट या जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स हो, कंडीशन फॉल्स होने के केस में भी हम कुछ एक स्टेटमेंट या कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एक्सिक्यूट करवाना चाहते हैं, तो उस केस में हम एल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इफ एल्स हमें इस्तेमाल होता है कि जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी उस केस में भी कोई स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होंगी, या जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी उस केस में भी स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होंगी। तो उसकी भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं यहाँ पर गिटहब पे आता हूँ और ये मेरे पास इफ एल्स का एक केस सिनेरियो है, इसको मैं अपने नोटबुक पर लेके आता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेम टू सेम मेरे पास वही एग्जाम्पल है जिसमें मैंने इनपुट एक मार्क्स एंटर किए और उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि ग्रेटर देन होना चाहिए 33 से। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है देन उसके साथ मैंने एक स्टेटमेंट लिंक कर दी कि देन फिर ये स्टेटमेंट आ जाएगी पास। और अगर ये मेरे पास कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स के केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो एल्स कीवर्ड है फॉल्स के केस में ये स्टेटमेंट स्किप होगी और उस केस में एल्स कीवर्ड एक्सिक्यूट होगा और एल्स कीवर्ड के नीचे वाली जो स्टेटमेंट है जो कि एल्स कीवर्ड के साथ लिंक है वो एक्सिक्यूट होगी और वो स्टेटमेंट है कि हमारे सामने फेल प्रिंट हुआ हुआ आ जाए। तो अब यहाँ पर इफ के साथ जो हमने एल्स कीवर्ड का इस्तेमाल किया है वो इफ की कंडीशन फॉल्स होने पर एक अल्टरनेटिव वे हमें प्रोवाइड कर रहा है कि जब इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो उस केस में हमने कौन सी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। तो यहां पर मैं इसको क्या करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं। अब यहां पर मेरे पास दो कंडीशंस है तो मैं सबसे पहले 34 एंटर करता हूं जिस पे मेरी कंडीशन ट्रू होगी और ये मेरे पास इसका आउटपुट आ जाएगा कि पास। देन फिर उसके बाद इस प्रोग्राम को जब हम दोबारा एग्जीक्यूट करें, अब मैं इसमें कोई ऐसी वैल्यू पास करता हूं जिससे ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो मैं यहां पर 16 पास कर देता हूँ। 16 के लिए कंडीशन फॉल्स होगी तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास ना सिर्फ पास की स्टेटमेंट स्किप होगी बल्कि उस केस में एक दूसरे वे ऑफ अल्टरनेटिव वे हमारे पास एक्सिक्यूट होगा और उसमें हमारे पास फेल की स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो मैं जब इसको एंटर करता हूँ इस वैल्यू को तो आप देखते हैं कि 16 से मेरे पास क्या हुआ है, कंडीशन फॉल्स हुई और दूसरा अल्टरनेटिव वे मेरे पास एक्सिक्यूट हुआ है या दूसरी अल्टरनेटिव स्टेटमेंट एक्सिक्यूट हुई है जिसमें मेरे पास फेल आ गया। तो ये एक सिंपल आपको एक रिजल्ट सिस्टम की तरह नजर आ रहा होगा कि एक रिजल्ट सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर एक बच्चा अपने मार्क्स एंटर करता है स्टूडेंट्स और उस मार्क्स की बेस पर उसे बताया जाता है कि क्या वो स्टूडेंट पास है या वो फेल है। तो आप इस तरह की डिफरेंट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं जब आप इन कंडीशंस को यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास इफ एल्स से रिलेटेड डिफरेंट और भी केसेस हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास सिर्फ दो केसेस ना हो, मल्टीपल केसेस हो, जैसे कि इसी रिजल्ट सिस्टम की एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा केस हो जो कि हम बहुत ज्यादा रियल लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं कि हमारे पास सिर्फ दो स्टेटस नहीं होते कि एक स्टूडेंट पास है या फेल है, हमारे पास मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं। यानी अब मल्टीपल स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपल केसेस हमारे पास जो होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं कि एक स्टूडेंट के ए ग्रेड भी होता है, एक स्टूडेंट का ए प्लस ग्रेड होता है, किसी स्टूडेंट का बी ग्रेड होता है, किसी का सी ग्रेड होता है, डी ग्रेड होता है, डिफरेंट तरह के ग्रेड्स उनको असाइन किए जाते हैं बेस्ड ऑन द मार्क्स, उनकी मार्क्स की रेंज के अकॉर्डिंग उन्हें डिफरेंट ग्रेड्स असाइन किए जाते हैं। अब वो ग्रेड्स इस तरह से असाइन किए जाते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स 90 से प्लस हैं, 90 से ऊपर है तो उसे ए प्लस ग्रेड दे दिया जाए, 90 और 80 के बिटवीन है तो फिर उसे हमारे पास ए ग्रेड दे दिया जाए, अगर उसके मार्क्स जो है वो 70 और 80 के बिटवीन है तो फिर उसे बी ग्रेड दिया जाएगा। हर यूनिवर्सिटी का हर कॉलेज का ये ग्रेडिंग सिस्टम अपने मुताबिक उन्होंने सेट किया होता है। तो अगर यहाँ पर इस तरह की कंडीशन है कि हमारे पास मल्टीपल अल्टरनेटिव्स हैं, यानी सिर्फ एक कंडीशन नहीं है और ना ही दो हमारे पास अल्टरनेटिव्स वेज हैं बल्कि मल्टीपल अल्टरनेटिव्स वे हैं कि हम हर स्टूडेंट को तमाम क्राइटेरिया के ऊपर चेक कर रहे हैं कि एक स्टूडेंट के मार्क्स किस क्राइटेरिया में लाइक करते हैं। यानी अगर तो उसके मार्क्स जो हैं वो 90 से अबव हैं तो फिर ये ग्रेड होगा, 80-90 के दरमियान है तो ये ग्रेड होगा, 70-80 के दरमियान है तो ये ग्रेड होगा, 60-70 के दरमियान है तो ये ग्रेड होगा। तो इस तरह से अगर हम किसी स्टूडेंट के मार्क्स की बेस पर उसे डिफरेंट ग्रेड्स असाइन कर रहे होते हैं तो इस चीज को हम कहते हैं पाइथन के अंदर दैट इज इफ एल्स इफ। तो इफ एल्स इफ हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम बजाय इसके कि एक या दो
अल्टरनेटिव्स को यूज करें, हम मल्टीपल अल्टरनेटिव्स वे को यूज कर सकते हैं, यानी हम मल्टीपल कंडीशंस के थ्रू मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, जिसके अंदर हम मल्टीपल सिनेरियोस को क्या कर सकें, कवर कर सकें। तो ये मैंने एक बड़ी ही सिंपल सी एग्जांपल दे दी कि हमारा जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो इसी तरह से इफ एल्स इफ के लॉजिक के ऊपर काम कर रहा होता है। अब मेरे पास यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो ग्रेडिंग सिस्टम से थोड़ी सी हटके है, वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास नॉर्मली एक सिंपल एग्जाम्पल है, ये जो मेरी गिटहब के ऊपर है। ये एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर मेरे पास तीन केस सिनेरियोज हैं, यानी मैंने एक केस सिनेरियो डिसाइड ये किया कि मेरे पास कोई भी एक डे है, जैसे आज का दिन है, तो आज के दिन के तीन स्टेटस होंगे, या तो आज का दिन एक कूल डे होगा, या तो आज का दिन जो है वो एक प्लेजेंट डे होगा, या तो आज का दिन जो है वो एक हॉट डे होगा। तो तीन तरह के मैंने अपने एक डे केस डिसाइड कर लिया कि हमारे पास कोई भी डे है, या तो वो एक कोल्ड डे होगा, सर्दी होगी उस दिन, सर्द दिन होगा, या तो वो एक गर्म दिन होगा, या तो वो एक खुशगवार दिन होगा। ये तीन तरह के मैंने अपने जो है ना वो स्टेटस एक डे के डिफाइन कर लिए। अब एक सर्द दिन है, कोई भी दिन है, उसमें सर्दी ज्यादा है या गर्मी ज्यादा है, या वो एक खुशगवार दिन है, सर्दी और गर्मी दोनों बैलेंस में है, तो इस चीज का फैसला उस डे के टेम्परेचर से किया जाता है कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि टेम्परेचर किस रेंज के अंदर लाइक कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक इनपुट स्टेटमेंट लगाई और वहां पर यूजर से एक टेम्परेचर एंटर करने को कहा कि आप डे का टेम्परेचर एंटर करो कि क्या टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटर डेज टेम्परेचर। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आप जो है ना वो एक दिन का टेम्परेचर एंटर करो। अब मैंने यहाँ पर कहा कि अगर जो टेम्परेचर 20 से लेस देन है, इसका मतलब कि सर्दी ज्यादा है, एक सर्द दिन है, ठीक है, यानी एक कोल्ड डे है, तो उस दिन सर्दी ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पर एक प्रिंट करवा दिया दैट इज द कोल्ड डे, ये एक कंडीशन होगी। अब अगर टेम्परेचर 20 से कम ना हो, 20 से ज्यादा हो, तो वहां पर फिर मैंने एक एल इफ लगाई। एल इफ मीन्स कि अगर तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो तो फिर इस कंडीशन को चेक करें कि क्या टेम्परेचर ग्रेटर देन है 20 से एंड टेम्परेचर लेस देन है इक्वल टू 35 से, यानी फिर चेक करें कि क्या 20 और 35 के दरमियान टेम्परेचर। अच्छा, तो ये मेरे पास एक एग्जांपल है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इस एग्जांपल में सबसे पहले मैंने सामने लिखा हुआ है कि एंटर डे टेम्परेचर, यानी मैं यूजर से कह रहा हूँ कि वो किसी भी डे का एक टेम्परेचर एंटर करे, तो वो टेम्परेचर इंट में टाइप कास्ट होकर टेम्परेचर के वेरिएबल में चला जाएगा। अब मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी है कि इफ टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू 20, यानी टेम्परेचर की वैल्यू अगर तो 20 से कम है, इसका मतलब कि आज सर्दी ज्यादा है, ये एक सर्द दिन होगा। तो मैंने उसके लिए प्रिंट करवा दिया कि अगर तो ऐसा है तो फिर प्रिंट कर दे दैट इज अ कोल्ड डे, के एक सर्द दिन है और सर्दी ज्यादा है। उसके बाद मैंने एक कंडीशन लगाई एल्स इफ में मैंने बताया कि अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन है 20 से और टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू है 25, यानी वो 20 और 35 की रेंज के दरमियान है, तो इस केस में हमें ये बताए कि दैट इज, अगर तो ये कंडीशन पूरी होती है तो फिर इस केस में हमें बताए कि दैट इज अ प्लेजेंट डे, यानी वो एक खुशगवार दिन है। अब सबसे पहले इस कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है, जब भी मैं कोई वैल्यू इनपुट करूंगा तो इस कंडीशन, ये कंडीशन हमारे पास इंटरप्रेटर चेक करेगा, अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर वो कोल्ड डे को प्रिंट कर देगा और उसके बाद बाकी हर चीज को स्किप करेगा। अगर तो मेरे पास एक कंडीशन फॉल्स होती है, उस केस में वो फॉल्स होने के केस में चेक करेगा कि क्या टेम्परेचर 20 और 30 की रेंज के अंदर तो लाइक नहीं कर रहा, अगर तो लाइक कर रहा है तो फिर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी और फिर वो एक प्लेजेंट डे प्रिंट करेगा, यानी हमें बताएगा एक खुशगवार दिन है आज। और अगर ना तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है ना ही ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो एक ही हमारे पास आखिरी केस बचता है कि ये दोनों कंडीशन तब फॉल्स हो सकती है जब टेम्परेचर की वैल्यू 36 या 35 से ज्यादा हो। ठीक है, तो इस केस में जब हमारे पास टेम्परेचर की वैल्यू 35 से ज्यादा कोई भी अगर वैल्यू है, तो उस केस में हमने एल्स वाला केस बना दिया और मैंने कहा कि तब प्रिंट कर दे एक हॉट डे है, यानी उस दिन गर्मी ज्यादा है, एक गर्म दिन है वो। तो ये तीन तरह के मैंने केसेस बना दिए। अब यहाँ पर मुझे कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर भी एल्स इफ लिख के कंडीशन लगाऊं कि इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 35 देन प्रिंट हॉट डे। मैंने सिर्फ एल्स लगाया है क्योंकि मुझे पता था कि ऑटोमेटिकली या तो टेम्परेचर 20 से नीचे होगा या 20 या 35 की रेंज में होगा, अगर तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होती हैं तो आखिरी केस यही बनता है कि टेम्परेचर की वैल्यू 35 से ग्रेटर होगी। तो उसके लिए मैंने डायरेक्ट एल्स केस स्पेसिफाई कर दिया कि अगर ये दोनों केसेस मैच नहीं होते तो फिर उस केस में हमारे पास एक गर्म दिन ही होगा, यानी टेम्परेचर की वैल्यू 35 से ज्यादा ही होगी। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को आपके सामने एक्सिक्यूट करके दिखाऊं तो यहाँ पर वो मुझसे डे टेम्परेचर
रिक्वायर कर रहा है, मैं यहाँ पर 23 एंटर करता हूँ, तो 23 तो मेरे पास 20 से ग्रेटर है, तो उसने मुझे यहाँ पर बता दिया 23, क्योंकि इस रेंज में लाइक कर रहा है, तो उसने मुझे बता दिया दैट इज अ प्लेजेंट डे। दोबारा जब मैं इसको रन करता हूँ और मैं यहाँ पर 45 एंटर करता हूँ, जो कि मेरे पास 35 से ज्यादा है, तो ये 45 डिग्री टेम्परेचर एक गर्मी का दिन होता है और शदीद गर्म दिन होता है, तो इस पर इसे मुझे बताना चाहिए कि दैट इज अ हॉट डे। तो मैं जब इसको एंटर करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है दैट इज अ हॉट डे। और अगर मेरे पास यहाँ पर मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ दैट इज 5 डिग्री, जो कि यहाँ पर क्या है, एक सर्द दिन की अलामत है कि 5 डिग्री एक बहुत ही सर्द दिन होता है, काफी सर्दी होती है उस दिन जिस दिन हमारे पास टेम्परेचर 5 की रेंज में होता है। तो अगर मैं इसको लिख के एंटर करता हूँ तो मुझे बता रहा है दैट इज अ कोल्ड डे। तो इस तरह के बहुत सारे सिनेरियोज जिसके अंदर हमने मल्टीपल अल्टरनेटिव्स लगाने होते हैं, मल्टीपल वेज यानी कि सूरत में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी होती है, वहां पर हम इफ एल्स इफ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी हमारी कंडीशन स्टेटमेंट्स। आगे हमारे पास एक केस 4 है जिसमें जिसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में क्या होता है, नेस्टेड इफ का मतलब है कि हम एक इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ में हम नेस्टिंग किसी भी लेवल तक कर सकते हैं, हम एक इफ के अंदर एक और इफ, उसके अंदर एक और इफ, उसके अंदर एक और इफ, इस तरह से मल्टीपल इफ कंडीशंस एक के अंदर एक, एक के अंदर एक लगा सकते हैं, लेकिन उससे हमारे प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि नेस्टिंग को कम से कम इस्तेमाल किया जाए ताकि हमारे प्रोग्राम के कोड को अंडरस्टैंड करना आसान हो सके। तो आप इस यहाँ नेस्टिंग किसी भी लेवल तक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक नेस्टेड इफ का एक सिनेरियो बनाया है जिस केस सिनेरियो को मैं आपको एक्सीक्यूट करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक केस सिनेरियो डिस्कस किया है जिसमें मैंने इमेजिन किया कि हमारे पास एक स्कूल है जिसमें कोई भी बच्चा आता है और वो स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्री टेस्ट देता है। उसके दो तरह के एंट्री टेस्ट होते हैं, एक टेस्ट होता है जो इंग्लिश का टेस्ट होता है और एक उसका मैथ का टेस्ट होता है। अगर वो इंग्लिश का टेस्ट पास करता है देन फिर उससे मैथ का टेस्ट के मार्क्स पूछे जाएंगे, मैथ का टेस्ट उसका स्टेटस देखा जाएगा, अगर तो मैथ का टेस्ट भी पास है देन उसे प्रमोट कर दिया जाएगा, और अगर इंग्लिश का टेस्ट उसका पास है और मैथ का टेस्ट पास नहीं है तो फिर उसे मैथ के टेस्ट के लिए एक दोबारा अटेम्प्ट का एक चांस दिया जाएगा कि वो उस मैथ के टेस्ट को एक दफा दोबारा ट्राई कर सकता है या दोबारा उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकता है। अगर तो उसका इंग्लिश का टेस्ट ही पास नहीं है तो स्कूल वालों के लिए जो मेन कंपलसरी क्राइटेरिया है वो इंग्लिश का टेस्ट पास करना है। तो अगर इंग्लिश का टेस्ट ही पास करना और उसे नहीं हुआ, फर्स्ट टेस्ट में ही वो फेल हो गया, तो फिर स्कूल वाले वहीं से उसे नॉट एलिजिबल कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अगर हमारे पास मल्टीपल प्रायोरिटीज हो, जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी इंग्लिश की है, अगर वो क्लियर होती है देन फिर आगे मैथ के टेस्ट को चेक किया जाएगा, क्या मैथ का टेस्ट भी उसने पास किया है, उसकी बेस पर फिर उसे प्रमोट किया जाएगा या दोबारा चांस दिया जाएगा। तो इस तरह से जब हमारे पास मल्टीपल प्रायोरिटीज हो, एक प्रायोरिटी के अंदर दूसरी प्रायोरिटी हो, तो इस केस में हम नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक इनपुट स्टेटमेंट में मार्क्स का स्टेटस पूछा कि क्या वो इंग्लिश के टेस्ट में पास है या नहीं। यहाँ पर अगर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, सबसे पहले ये मेरे पास फर्स्ट इफ है जिसको मैं आउटर इफ भी कहता हूँ, यानी ये सबसे बाहर वाले इफ है। तो इसमें मैंने कहा कि अगर ये पास है इंग्लिश के अंदर तो फिर वो नेक्स्ट स्टेज पर चला जाए, उसके सामने प्रिंट हो जाए कि यू आर ऑन द नेक्स्ट स्टेज, और फिर उससे मैथ का स्टेटस पूछा जाए कि मैथ में उसका क्या स्टेटस है। अगर मैथ में भी उसका स्टेटस पास है, ये हमारे पास सेकेंड इफ है जिसको इसको हम कहते हैं इनर इफ यानी अंदर वाले इफ, कि अगर मैथ का स्टेटस भी पास है तो फिर प्रमोट हो जाएगा, और अगर मैथ का स्टेटस पास नहीं है तो फिर उसे एक और चांस दिया जाएगा कि मैथ को वो दोबारा उसके टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकता है। और ये वाली जो एल्स है, ये एल्स लिंक है इस इफ के साथ कि अगर उसने इंग्लिश को ही पास नहीं किया तो उसी टाइम उसे कह दिया जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एडमिशन। ठीक है, तो इस तरह के केस में हम क्या करते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। यहां पर मैं करके भी दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने इंग्लिश में उसे पास करवा दिया, वो नेक्स्ट स्टेज पर चला गया, अब उसने मैथ का स्टेटस हमसे पूछ रहा है वो सिस्टम, तो मैथ में भी मैं उसे पास करवा देता हूँ तो दोनों में पास हो गया तो प्रमोट हो गया। ठीक है, एक और केस देख लेते हैं, अगर मैं उसे पास करवाता हूँ इंग्लिश में लेकिन मैथ में मैं उसे फेल करवा देता हूँ, तो इस केस में क्या होगा कि हमारे पास उसे मैथ की एक अलग अटेम्प्ट मिल जाएगी। और अगर लास्ट केस में अगर मैं उसे इंग्लिश में ही फेल करवा देता हूँ तो फिर उसे कोई भी अटेम्प्ट नहीं मिलेगी, बल्कि वो अंदर जाएगा ही नहीं और यहाँ पर उसे नॉट एलिजिबल का मैसेज आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक नेस्टेड इफ है कि हमने एक इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन लगाई हुई है, ये हम किसी भी लेवल तक कर सकते हैं। इफ के अंदर एक और इफ के अंदर एक और इफ, ये हमारे पास नेस्टेड इफ की कंडीशन होती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास लूप्स क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। Thank you.